के झंडे गाड़े। आज देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इसका श्रेय जाता है तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को जाता है। मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए, हम सबका मार्गदर्शन करें और आप सब खड़े होकर उनका एक बार फिर अभिनंदन करें, स्वागत करें। अमित शाह जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, वीर भूमि वालों की आवाज ऐसी होगी क्या? हिमालय की कंदराओं से लेकर कन्याकुमारी तक आवाज जानी चाहिए कि 19 में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान सतपाल सत्ती जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जिन्होंने एक लंबे कालखंड तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन को संरक्षित किया, संवर्धित किया, ऐसे श्रीमान रामलाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता हिमाचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी, हमारे संगठन के प्रभारी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भाई मंगल पांडे जी, हमारे कर्मठ और जुझारू राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, यहां से जिन्होंने आपको इस क्षेत्र के विकास के लिए चुनकर भेजा है और उन्होंने बखूबी विकास किया है, हमारे युवा सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी, श्री वीरेंद्र कश्यप जी, श्री रामस्वरूप शर्मा जी, श्री वीरेंद्र कंवर जी, श्री विक्रम ठाकुर जी, श्री रणधीर शर्मा जी, और आज ये पूरे संगठन के पीछे जिन्होंने तपस्या कर अपनी ऊर्जा लगाई है, ऐसे हमारे संगठन मंत्री भाई राणा जी को मैं विशेष याद करना चाहता हूं। और आज इस लोकसभा का सम्मेलन, जिसमें मुझे लगता है कि ये सम्मेलन है या सभा है वो मालूम ही नहीं पड़ता, इतनी विशाल संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे पन्ना प्रमुख भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज एक लंबे अरसे के बाद मैं देवभूमि पर आया हूं। ये देवभूमि, वीर भूमि, उसके कई सारे देवी देवता देश भर के लोगों के श्रद्धा के केंद्र बने। मैं आज इस देवभूमि, वीर भूमि को भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा के साथ नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये हिमाचल
उन राज्यों में से है जिनके जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान देते नहीं झिझकते। अगर आप मान लेना कहीं पर भी देश के लिए जान देने का समय आता है, उसमें सबसे पहले मेरा हिमाचल का युवा, हिमाचल का जवान खड़ा रहेगा। और इसी का परिणाम है कि एक ही प्रदेश ऐसा है देश में जिसको चार चार परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान मिला है। चार परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा जो सबसे पहले परमवीर चक्र बने, लेफ्टिनेंट कर्नल ध्यान सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफल मैन संजीव कुमार आज भी देश की सेना में सेवा कर रहे हैं। चार चार परमवीर चक्र अगर किसी एक प्रदेश को प्राप्त करने का सम्मान है तो ये मेरे हिमाचल प्रदेश के जवानों को। और मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश वासियों ने बनाई, चार की चार सीटें मोदी जी की झोली में आपने डाली, इसका परिणाम आया केंद्र में हिमाचल, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल की माताओं बहनों और भाइयों के आशीर्वाद से बनी। वो सरकार का एक प्राथमिकता रही कि सीमाओं की सुरक्षा करने वाले देश के जवानों के हितों की चिंता की जाए, इनके परिवारों की चिंता की जाए। और मित्रों, जब ये नरेंद्र मोदी सरकार बनी उसके घोषणा पत्र में एक वादा था कि हम देश के जवान को वन रैंक वन पेंशन देंगे, देश के जवान का सम्मान करेंगे जो अपनी जवानी को, अपने जीवन के बहुमूल्य कालखंड को -43 डिग्री हिमाचल की चोटियों पर से लेकर रेगिस्तान में +43 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अपनी जवानी गलाता है उसका परिवार का सम्मान करें। 70 साल से किसी को देश के जवानों की ये मांग जो थी उसको पूरी करने की सूझ बूझ नहीं थी, क्योंकि मन में उनके प्रति सम्मान और भक्ति भाव नहीं था। मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ही साल में वन रैंक वन पेंशन का वादा नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। हर साल 8,000 करोड़ रुपया ज्यादा देश के जवानों के खाते में, रिटायर्ड जवानों के खाते में, सेवानिवृत्त जवानों के खाते में चेक से पहुंच जाता है। आज उनके परिवार